में पकड़ा गया बांग्लादेशी रुहुल अमीम। पकड़े गए बांग्लादेशी युवक पर बड़ा खुलासा हुआ है। कोलकाता के रास्ते भारत में घुसा था रुहुल अमीम। रुहुल अमीम ने सालों ने सीधी में इन्होंने सालों से डेरा जमाया हुआ था। आईबी समेत कई एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। पिछले 5 दिनों से युवक से पूछताछ जारी है। बड़ी खबर सीधी से, जहां पर बांग्लादेशी रुहुल अमीम को पकड़ लिया गया है और ये कई लंबे वक्त से इसने कब्जा जमाया हुआ था। कोलकाता के रास्ते भारत में घुसा था रुहुल अमीम और ये सीधी में सालों से रह रहा था, डेरा जमाया हुआ था। आईबी समेत कई एजेंसियां पूछताछ कर रही है। पिछले 5 दिनों से युवक से पूछताछ जारी है। और ये देखिए, ये जो युवक आपको नजर आ रहा है, दरअसल ये रुहुल अमीम इसका नाम है। सुरक्षा एजेंसियां इसको हिरासत मिली हैं, इससे पूछताछ हो रही है। पिछले 5 दिन से लगातार युवक से पूछताछ की जा रही है। बांग्लादेशी युवक बताया जा रहा है, जिसने सीधी में लंबे वक्त से डेरा जमाया हुआ है। तो पिछले 5 दिनों से इस युवक से पूछताछ कर रही है पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की टीम लगातार, कि आखिरकार कैसे इसने भारत में एंट्री ली और कब से ये यहां पर रह रहा था। खंडवा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बैकवाटर की जद में आए आमोदा गांव पहुंचे अधिकारी। संयुक्त कलेक्टर और एसडीएम ने ग्रामीणों से चर्चा की है। ट्यूब पर खटिया बांधकर बीमार को नदी पार करवाई गई थी और कलेक्टर ने समस्या के निराकरण के निर्देश भी दिए हैं। वैकल्पिक रूप से एनएचडीसी की मदद से चलाई जाएगी नाव। न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी और इस खबर को दिखाए जाने के बाद जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। खंडवा से बड़ा मामला है, न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। बैक वाटर की जद में आए आमोदा गांव पहुंचे अधिकारी। संयुक्त कलेक्टर और एसडीएम ने ग्रामीणों से चर्चा की। ट्यूब पर खटिया बांधकर बीमार को नदी पार कराई थी। कलेक्टर ने समस्या के निराकरण के निर्देश दिए हैं। वैकल्पिक रूप से एनएचडीसी की मदद से नाव चलाई जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमित जायसवाल जुड़ गया। अमित, किस तरीके से न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है? जी, ये न्यूज 18 ने इस पूरे मामले को प्रमुखता से दिखाया। जो इंद्रा सागर बांध खंडवा जिले में, वहां का जो बैकवाटर है, इंद्रा सागर बांध का जलस्तर 261 मीटर तक पहुंचते ही आमोदा गांव बैकवाटर की जद में आ जाता है और यहां जो पहले अप्रोच रोड बनाया गया है वो डूब जाता है। ऐसे में जब यहां एक बुजुर्ग बीमार हुआ तो ट्यूब पर खटिया बांधकर उसे अस्पताल ले जाया गया था। इस मामले को हमने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद कलेक्टर ने संज्ञान लिया और संयुक्त कलेक्टर एसडीएम सहित अन्य अफसरों को यहाँ पहुंचा। एनएचडीसी की टीम भी पहुंची थी। फिलहाल वैकल्पिक रूप से नाव चलाई जाएगी। इसके अलावा यहाँ ब्रिज की मांग की जा रही है, उस ब्रिज को लेकर भी अब जो प्रस्ताव है वो बनाया जा रहा है और अप्रोच को ठीक किए जाने की बात भी कही गई है। न्यूज 18 की खबर के बाद इस तरह की हलचल हुई है और ग्रामीणों को उम्मीद बनी है कि उनकी समस्या का निराकरण हो जाएगा। बिल्कुल, समस्या का निराकरण तो हो जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये कब तक रास्ता मिल पाएगा। अभी तो हालांकि नाव की बात कही जा रही है कि यहाँ पर एक नाव चलाई जाएगी एनएचडीसी की मदद से, लेकिन ये एक नाव कितने लोगों की नैया पार करेगी, बड़ा सवाल ये है। अमित, में करीब 35 परिवारों के 200 लोग रहते हैं और यहाँ के बच्चे स्कूल आना जाना भी करते हैं, तो उन्हें अभी पानी में से ही जाना पड़ा है। तो फिलहाल राहत ये होगी कि नाव के सहारे बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना और ग्रामीणों को जो आवश्यक कार्य है वो उनके हो जाएंगे। और जब ये प्रस्ताव तेजी से काम करेगा, जो यहाँ ब्रिज बनाने का है उस पर भी काम किया जा रहा है, तो उम्मीद जताई जा सकती है कि जल्द ही समस्या का हल हो। बिल्कुल, क्या कोई टाइमलाइन दिया गया है? क्योंकि इस तरीके के जो आश्वासन है ये तो कई दफा मिल चुके होते हैं ग्रामीणों को, लेकिन हर साल उनको ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कोई पुख्ता टाइमलाइन, किस वक्त तक ही काम हो जाना चाहिए, इसके लिए किस तरीके का पूरा प्लान होगा, किन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, ये तमाम सवाल अभी भी बाकायदा बने हुए। बहुत शुक्रिया आपका मैं तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सत्ता में